पहली बार उन्हें इंदौर में 1959 में 1959 में सुना, जब वो रेडियो स्टेशन के एक कवि सम्मेलन में भाग लेने आए थे। क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर के तत्कालीन प्रिंसिपल डॉक्टर डेविड उस गोष्ठी का की अध्यक्षता कर रहे थे। जब गोष्ठी खत्म हुई तो मैंने डेविड साहब से कहा कि अपन ये दो तीन कवियों को कल कॉलेज में क्यों ना बुलाएं। बोले हाँ बिल्कुल बुलाओ, बड़ी खुशी की बात है, तुम तय कर लो और समय भी ले लो इनसे। तो मैंने तीन कवियों से समय लिया, कैलाश वाजपेयी, चंचल जी और शिव कुमार श्रीवास्तव, वो सादर के थे। इन तीनों को बुलाया, हम लोग इनको लेने गए, इनको लेके आए क्रिश्चियन कॉलेज में और करीब डेढ़ घंटे वो आयोजन हुआ। और पहली बार ब्रॉन्सन हॉल में क्रिश्चियन कॉलेज में तीन हिंदी के कवियों को 300 लोगों ने बिना माइक के कविता पढ़ते हुए शांत भाव से सुना और तल्लीनता से सुना, बड़ा पसंद किया। और डेविड साहब इतने खुश हुए, बोले अपने को इनको कुछ देना भी चाहिए। मैंने कहा आप क्यों चाहें, तो उस जमाने में उन्होंने 300-300 रुपए तीनों को दिए। ओह वाव, 59 में 300 रुपीज। और कहा इनको खाना भी खिलाएंगे। अच्छा, खाना खिलाया, बड़ा अच्छी तरह से सब लोगों ने खाया, बड़े खुश हुए और बड़ी बातचीत होती रही सबसे। और आप क्या थे? मैं तो जो लिटरेरी सोसाइटी थी अंग्रेजी की, उसका सेक्रेटरी था, इंग्लिश लिटरेरी सोसाइटी का, और हिंदी का आयोजन मैंने किया। ओके। और मेरे साथ उस वक्त के मेरे दोस्त थे दिलीप किबे, रवि दाते, ये लोग सब मेरे साथ थे। वो जो जंजीरा की नवाब के यहाँ की लड़कियां पढ़ती थी, दो तीन वो लोग थी, तो सब लोग वो इतना याद करते हैं, जो भी पुराने लोग मिलते हैं। अभी किबे से मैंने बात की पूना में, बोला अरे यार आपने तो इतने अच्छे आयोजन किए, वो आपका हिंदी के कवियों का, और आप इतना अच्छा कविता उनकी सुनाते थे, और अभी तक हमको कप्तान अभी तक याद है यार, हम तो भूले नहीं।